तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्लास बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑडियो पावर एम्पलीफायर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक फिगर गिवन होगा आपको और बोला जाएगा कि क्लास बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑडियो पावर एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट मैक्सिमम एसी पावर विच कैन बी डेवलप्ड। दूसरा है कलेक्टर डिसिपेशन व्हाइल मैक्सिमम एसी पावर व्हाइल डिसिपेटिंग मैक्सिमम एसी पावर। थर्ड इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, एफिशिएंसी ऑफ द ऑडियो पावर एम्पलीफायर और मैक्सिमम पावर डिसिपेशन पर ट्रांजिस्टर एंड एफिशिएंसी अंडर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कंडीशन अज्यूम प्योर साइनोसॉइडल इनपुट। तो यहाँ हम फिगर देखेंगे सबसे पहले कि क्लास बी कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर के लिए फिगर क्या होता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर एनपीएन और दूसरा ट्रांजिस्टर पीएनपी यूज किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर के केस में, और उसके अक्रॉस लोड यूज किया जाता है। तो यहाँ लोड की वैल्यू आपको फिगर में दी हुई है और दो पावर सप्लाई माइनस वीसीसी इक्वल टू 15 वोल्ट और यहाँ पर प्लस वीसीसी, यहाँ देख सकते हैं तो प्लस वीसीसी इक्वल टू 15 वोल्ट और यहाँ ये दोनों एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड हैं, इनपुट एसी पावर के साथ कनेक्टेड है जो सिग्नल हमें एम्पलीफाई करना है पावर एम्पलीफायर के केस में। तो ये Q1 ट्रांजिस्टर, ये Q2 ट्रांजिस्टर और इस तरह से ये दोनों कनेक्टेड हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ जो कनेक्शन है इनके वो इस तरह से कनेक्टेड है। तो Q1 Q2 और लोड जो रेजिस्टेंस है RL दैट इज गिवन इज 4 ओम, इस तरह से गिवन है आपको। तो यहाँ देख सकते हैं कि VCC आपको गिवन है VCC इक्वल टू 15 वोल्ट एंड RL इक्वल टू 4 ओम। तो ये वैल्यूज गिवन है। अब इसके साथ साथ आपको फर्स्ट जो है मैक्सिमम एसी पावर कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम एसी पावर को हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू 1/VCC² / RL होता है। तो 1/2 VCC इज द 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन इट विल कम 28.125 वॉट। तो मैक्सिमम एसी पावर हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे 28.125 वॉट कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। अब पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम, दूसरा क्या है पावर डिसिपेशन मैक्सिमम, डीसी मैक्सिमम पावर के लिए करेंगे। तो व्हेन पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम, अगर पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा तो उस केस में VM इज इक्वल टू VCC होता है और RL हम जानते हैं RL इक्वल टू VM/IM होता है। तो इससे हम IM की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। तो IM इक्वल टू VM/RL और इससे जब कैलकुलेट करेंगे दैट मींस VM इक्वल टू VCC सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 15/RL 4 है तो इससे कैलकुलेट ओके आएगा 3.75 एम्पियर। तो 3.75 एम्पियर आ गया। अब PDC हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से इजीली, PDC इक्वल टू 2/πVm/IM और 2/πVm की वैल्यू VCC हो गया 15 × 3.75। तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे सामने जो निकल के आएगी PD की वैल्यू वो होगी, PDC की वैल्यू जो होगी दैट इज 35.809 वॉट, 35.809 वॉट आएगी। अभी इसके बाद पावर डिसिपेशन निकालना है, पावर डिसिपेशन स्मॉल PD दैट इज इक्वल टू PDC - PAC। तो हमने PAC कैलकुलेट किया था यहाँ पे और PDC कैलकुलेट किया है यहाँ पे। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों वैल्यू, 35.809 - 28.125
0.125, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन इट विल कम 7.684 वॉट की वैल्यू आई, ये वैल्यू आएगी। दिस इज द टोटल कलेक्टर डिफिसिट, दिस इज द टोटल कलेक्टर डिसिपेशन अंडर मैक्सिमम पावर कंडीशन। अभी यहाँ से इफिशियंसी कैलकुलेट करना है, थर्ड पार्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड पार्ट में इफिशियंसी, परसेंट इफिशियंसी कैलकुलेट करना है, और परसेंट इफिशियंसी दैट इज इक्वल टू PAC अपॉन PDC इंटू 100, और दोनों हमें मालूम है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू 28.125, और PDC अभी हमने कैलकुलेट किया था 35.809 इंटू 100, दैट विल प्रोवाइड द वैल्यू 78.5%, दैट इज द एफिशिएंसी इज मैक्सिमम पॉसिबल फॉर क्लास बी। यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आई है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है क्लास बी के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए, फोर्थ पार्ट है फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इसके लिए देखते हैं, तो Vm इक्वल टू 2/π VCC एंड दैट इज 2/π इंटू 15, दैट विल कम 9.5492 वोल्ट, एंड Im Vm अपॉन RL एंड दैट विल कम 9.5492 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 2.3873 एम्पियर। एंड PDC, यहां से हम PDC कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 2/π VCC इंटू IM, दैट विल कम 2/π इंटू 2.3873 इंटू 15, इट विल प्रोवाइड अ वैल्यू 22.797 वॉट। और यहां से PAC कैलकुलेट करेंगे तो PAC इक्वल टू 1/2 VM स्क्वायर अपॉन RL, दैट विल कम 1/2 5492 का स्क्वायर अपॉन RL की वैल्यू 4, दैट इज इक्वल टू 11.398 वॉट। PDC और PAC मैक्सिमम हमने कैलकुलेट किया है, PD अब इसके बाद PD मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। PD मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू PDC माइनस PAC, दैट इज इक्वल टू 22.797 माइनस 11.398, ये जो आएगा दैट विल प्रोवाइड वैल्यू 11.39 वॉट। अब PD मैक्सिमम पर ट्रांजिस्टर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो PD मैक्सिमम पर ट्रांजिस्टर इट विल प्रोवाइड वैल्यू 11.39 Y2, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर के लिए था, इट विल प्रोवाइड 5.69 वॉट पर ट्रांजिस्टर। अब एफिशिएंसी अंडर PD मैक्सिमम, दैट मींस मैक्सिमम पावर डिसिपेशन एज पर द क्वेश्चन, एफिशिएंसी अंडर PD मैक्सिमम, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परसेंट ईटा इक्वल टू PAC अंडर PD मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे PAC अंडर PD मैक्सिमम डिवाइडेड बाय PDC अंडर PD मैक्सिमम, PDC अंडर PD मैक्सिमम इंटू 100। तो ये वैल्यू हमने जो कैलकुलेट किया है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 11.398 डिवाइडेड बाय 22 पॉइंट,
यहां से देखें तो 11.398 डिवाइडेड बाय 22.797 इनटू 100 एंड इट विल प्रोवाइड वैल्यू 50%. ये वैल्यू 50% प्रोवाइड करेगा. दिस शोज दैट व्हेन एफिशिएंसी इज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज नॉट मैक्सिमम. दैट मींस एफिशिएंसी जाना होगी तो पावर डिसिपेशन कम होगा, और पावर डिसिपेशन जाना होगा, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा तो उस समय एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, रिड्यूस कम होगी. तो ये कंक्लूजन निकलता है इस क्वेश्चन से कि व्हेन एफिशिएंसी इज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज नॉट मैक्सिमम, एंड व्हेन पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम एफिशिएंसी इज नॉट मैक्सिमम. तो इस क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट यहाँ पर देखे. थैंक यू.